गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग आए हैं अपनी मम्मी के घर और यहाँ सुबह सुबह उठते इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स और ये पौधे देख कर के ना दिल बड़ा ही खुश हो जाता है। आज तक मेरी छोटी बहन जो है वो सो रही है और मम्मी लगी है किचन में और ये हमारे पालक धुल गई है, रेडी हो गई है। आज हम बनाएंगे ये पालक और आलू, आलू पालक की सब्जी। सुबह सुबह हमने बनाए हैं दीपांश के लिए पकौड़े। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको हमने किचन की ये जो पालक है वो कहाँ से हार्वेस्ट किया। लेट्स गो। ये देखो हमने पालक हार्वेस्ट किया यहाँ से, इतनी सारी पालक हो गई है, कुछ यहाँ से कुछ ऊपर से। ऊपर भी बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, वो हम आपको कल दिखाएंगे, जिसमें बहुत मज़ा आया है। और यहाँ शहर में रहकर के गांव जैसी फीलिंग आती है, बिकॉज़ यहाँ पे पीछे की तरफ घर कम है और हरी भरी हरियाली बहुत ज़्यादा। ये देखो और भी पौधे लगाए हुए हैं, तो बहुत मज़ा आता है। इधर आके पूरा फुल एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। ये पापा ने कर दी स्कूटी साफ और चमका दिया एकदम, मेरी भी और अपनी भी। और ये मम्मी सुबह सुबह पुदीना लगाते हुए, मम्मी ये लो। अच्छा, आज शाम को हम रेडी होकर के इवनिंग पार्टी में जाएंगे, दीदी और जीजा जी की एनिवर्सरी है। जुगाड़ की खेती है ये। और ये पापा ने कर दी गाड़ी की सफाई और ले आए हैं अब इसका कवर, कवर लगाते हुए। चलो पापा की मदद करा देते हैं। और सुबह सुबह ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे पप्पी पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ये रोज नहीं आते, कभी कभी आते हैं। और ये तनुष और दीशी अभी स्कूल गए नहीं है, तो ये ऐसे कर करके डॉगी को बुला रहे हैं। ये देखो कैसे खुश हो रहे हैं। और हम लोग रेडी होकर के, और आज मैंने अपने बेबी कट कर, मैंने मम्मा को बोला था कई दिन से मैं बेबी कट कराऊंगी और आज मैंने बेबी कट करा ली है। और यह दीपू अपने बाल कट करवा रही है। दीदी की बुलाए हुई जगह पर पहुंच गए हैं। कहां पहुंचे हैं ये अभी हम आगे चल के आपको दिखाएंगे। बोरे ने मेरे को सामने बोरे बोरे, ये निम्मी नहीं है, ये है ना ये गाना हमने। अच्छा, तेरी रोते हुए वीडियो बनेगी देखना। हाँ चलो बिठाएंगे, पापा को बोलते पापा बिठाएंगे। ये हम लोग खाना वाना खा करके मम्मी दीदी पापा और मेरे हस्बैंड सारे बैठ कर गया गप्पे शप्पे मार रहे थे। और दिशी को डोगी बहुत पसंद है, इसलिए वो लड़की जो डोगी लेकर खड़ी हुई ना उसको देख देख के उसको बड़ा ही मन हो रहा था कि मैं जा करके सारे डोगी ले लूँ और उनको प्यारी करूँ, उनको टच करूँ। लेकिन हमने ये हुई मेरे पास भाग के आ रही है। फिर हम लोगों ने बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक की और ये बार बोल रही है यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स ओपन हुई हैं, बहुत बड़े एरिया में है ये हाईवे की। और ये वाला जो हाईवे किंग है गुड़गांव के पास यानी कि मानेसर के आस पास पड़ता है, धारोड़ा क्रॉस करती। और यहाँ पे बच्चे देखो आराम से घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। पार्क वार्क भी काफ़ी अच्छे हैं, पार्किंग भी काफ़ी अच्छा है। उसको ढूंढ रहे थे तो मौसी जी यहाँ बैठे बच्चे क्लिक करा रहे, बच्चे भी नाच रहे हैं कूद रहे हैं, यहाँ पिक्चर्स क्लिक करा रहे हैं। और हम डिसाइड कर रहे हैं कि चलो चलते हैं
बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया। तो अभी तक दिशी को किसी ने ट्रेन में नहीं बिठाया था, तो ट्रेन में बैठना है, लग रही थी कि बैठना है, तो पापा गाड़ी बिठाएंगे, गाड़ी खोल के बिठा देंगे, ट्रेन आ जाएगी। हस्बैंड मेरे पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, सारी फैमिली पिक्चर्स को, और मैं अकेले इन लोगों को लेकर के गई हूँ। और फिर मैंने उनको ट्रेन में बिठाया है जो मैं शूट नहीं कर पाई। चलो, और यहाँ हमने बहुत एंजॉय किया। और ये दीदी अजय जी है, इन्हीं की यूनिवर्सिटी, इन्होंने ही इन्वाइट किया था फैमिली गैदरिंग के लिए, तो बहुत एंजॉय किया। बच्चों ने भी, बड़ों ने भी, बहुत सारे पिक्चर्स भी क्लिक करी, और फिर सब लोग घर के लिए निकल पड़े।